नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजस्थान के विस्तार का जो पार्ट फोर्थ है उसके बारे में पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है आपकी 1070 किलोमीटर, जो कि 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी। और राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं, इस बारे में हमने डिस्कस किया था विद्यार्थियों। राजस्थान का गंगानगर, दूसरा मैंने आपको बताया था बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है आपका बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज मैं आपको बता रही हूँ अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान को 5 राज्यों की सीमा छूती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की सीमा किसको छूती है? वो आपके किसको छूती है? राजस्थान को छूती है। कौन कौन से राज्य हैं वो देखिए। पहला आता है आपका पंजाब। कौन सा आता है? पंजाब। दूसरा है आपका हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तीसरा है आपका यूपी। चौथा है आपका एमपी और पांचवा है आपका गुजरात। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किसको लगती है? राजस्थान को छूती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है राजस्थान, सबसे ज्यादा सीमा बनाता है एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है एमपी के साथ। कौन? राजस्थान। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य राजस्थान के साथ है एमपी। लंबाई है 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी सबसे कम सीमा। सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा बनाता है पंजाब के साथ और कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर सीमा बनाता है पंजाब के साथ। कौन? राजस्थान। उसके बाद आता है आपका हरियाणा। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर जो है वो किसके साथ बनाता है? हनुमानगढ़ के साथ बनाता है। इसके अलावा गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है और यूपी के साथ बनाता है 870 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि राजस्थान किस राज्य के साथ सीमा सबसे ज्यादा बनाता है, सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है, या सबसे ज्यादा से सबसे कम का आरोही और अवरोही क्रम आपसे पूछा जा सकता है। और आरोही और अवरोही क्रम ज्ञात करने के लिए आपको इनकी सीमाओं को ज्ञात करना आवश्यक है। तो ध्यान रखना है एमपी के साथ सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर, हरियाणा के साथ सीमा बनाता है 1262 किलोमीटर, गुजरात के साथ सीमा बनाता है 1022 किलोमीटर, यूपी के साथ बनाता है 877 किलोमीटर, पंजाब के साथ बनाता है 89 किलोमीटर। अब बात ये आती है कि राजस्थान के ये जो जिले हैं उनमें कौन कौन से जिले किस किस राज्य की सीमा को छूते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या? देखो, पंजाब के साथ 2 जिलों की सीमा छूती है। एक ध्यान रखना है गंगानगर और दूसरा ध्यान रखना है हनुमानगढ़।
पंजाब के साथ दो जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब आता है हरियाणा। हनुमानगढ़ से आपका चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, भरतपुर और धौलपुर, कितने हो गए? पहला हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा जयपुर, पांचवा सीकर, छठा भरतपुर और सातवा धौलपुर। ये सात जिलों की सीमा किसको छूती है? हरियाणा की सीमा को छूती है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के सात जिले हैं जो कि किसकी सीमा को छूते हैं? हरियाणा की सीमा को छूते हैं। देख लीजिए आप, पहला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से नीचे चूरू, चूरू से नीचे झुंझुनू, झुंझुनू से नीचे जयपुर, सीकर, एक आपका यहाँ पर आ गया क्या, अलवर। जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, ये सात राज्यों की जो सीमा है वो किसकी सीमा को छूती है? आपके हरियाणा की सीमा को। धौलपुर नहीं आएगा, ध्यान रखना। पहला हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, अलवर और भरतपुर, ये सात जिले ऐसे हैं जिनको हरियाणा की सीमा छूती है। कितनी सीमा बनाती है? 1262 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों यूपी। यूपी को दो जिलों की सीमा छूती है, पहला है आपका भरतपुर और दूसरा है आपका धौलपुर। इन दोनों जिलों के साथ 877 किलोमीटर की लंबाई बनाती है कौन? ये सीमा रेखा। यूपी के साथ दो जिलों की सीमा छूती है, भरतपुर और धौलपुर। अब उसके बाद में धौलपुर के बाद में यहाँ पे करौली, करौली के पास आ गया आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद यहाँ आ गया आपका बारा, बारा के बाद यहाँ आ गया आपका कोटा, ये आ गया आपका झालावाड़, झालावाड़ के बाद में ये वाला जो एरिया है आपका, ये आ गया आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और ये आ गया आपका चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा हिस्सा इस तरफ आ गया, ये आ गया आपका चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के नीचे आ गया आपका डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़ आ गया, ये थोड़ा सा हिस्सा चित्तौड़गढ़ का ये है और इसके नीचे है आपका बांसवाड़ा। तो एमपी के साथ जो है राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। पहला आएगा धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, पांचवा बारा, छठा झालावाड़, सातवा भीलवाड़ा, आठवा चित्तौड़गढ़, नवा प्रतापगढ़ और दसवा बांसवाड़ा। तो राजस्थान के 10 जिले हैं जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, और सबसे ज्यादा सीमा भी किससे लगी हुई है? एमपी के साथ लगी हुई है। तो राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हैं जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं? पहला देखिए धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, पांचवा बारा, छठा झालावाड़, सातवा भीलवाड़ा, आठवा चित्तौड़गढ़, नवा प्रतापगढ़ और दसवा है आपका बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं जिनको एमपी के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। अब आता है विद्यार्थियों कौन सा इलाका? गुजरात। गुजरात से राजस्थान के 6 जिलों की सीमा छूती है। कितने जिलों की? 6 जिलों की। सबसे ऊपर आ गया आपका बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आ गया जालौन, सिरोही, पाली, पाली पर आएगा, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और ये आपका बांसवाड़ा। पहला बाड़मेर, दूसरा जालौन, तीसरा सिरोही, चौथा उदयपुर, पांचवा डूंगरपुर और छठा बांसवाड़ा। ये 6 जिलों की सीमा जो है वो किसको छूती है? आपके गुजरात की सीमा को
छूटती है, ठीक है। तो गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा छूटती है, एमपी के साथ 10 जिलों की सीमा छूटती है, यूपी के साथ 2 जिलों की सीमा छूटती है, हरियाणा के साथ 7 जिलों की सीमा छूटती है और पंजाब के साथ 2 जिलों की सीमा छूटती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने हो गए, एमपी के साथ 10 हो गए, हरियाणा के साथ 7 हो गए, गुजरात के साथ 6 हो गए, यूपी के साथ 2 और पंजाब के साथ 2। इन राज्यों की सीमा 17, 22, 24, 25 और 26, ये हो गए। अब देखिए राज्य के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 25 है। सीमा पर कितने जिले हैं, पहला गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा हिस्सा, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये राज्य के सीमावर्ती जिले हैं। कौन से जिले हैं, सीमावर्ती। और सीमावर्ती में भी मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक अंतरराज्यीय सीमा और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा। राज्य के अंतरराज्यीय सीमा पर जो जिले हैं वो है आपके 23 जिले और 4 अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। ऐसे कौन से 2 जिले हैं विद्यार्थियों, तो देखो गंगानगर पंजाब की सीमा को भी छू रहा है और गंगानगर पाकिस्तान की सीमा को भी छू रहा है। तो गंगानगर अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है और गंगानगर पाकिस्तान के साथ भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो दोनों सीमाएं बनाने के कारण पहला तो आ गया आपका गंगानगर जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। दूसरा जो आपका जिला है वो है बाड़मेर। बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और आपके गुजरात के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं, गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है विद्यार्थी। एक आपका जो कोटा जिला है, विखंडित एरिया है जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाता है। कोटा जिला ऐसा है जो एमपी के साथ 2 बार बनाता है लेकिन विखंडित जिला नहीं है, जबकि विखंडित जिला ऐसा कौन सा है जो कि एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाता है, तो वो आएगा आपका चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ आ जाए तो चित्तौड़गढ़ विखंडित एरिया है। कौन सा एरिया है, विखंडित एरिया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो बनाता है आपका कौन, झालावाड़। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला है आपका झालावाड़। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है आपका झालावाड़ और सबसे कम जो सीमा रेखा बनाता है वो है आपका भीलवाड़ा, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपने देखा कि चित्तौड़गढ़ 2 खंडों में विभाजित है और 2 बार एमपी के साथ सीमा बनाता है। कोटा भी 2 बार सीमा बनाता है लेकिन टूटा हुआ इलाका नहीं है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, वो देखिए। पहला आएगा जो राजस्थान का हृदय कहलाता है वो है आपका अजमेर। पहला जिला अजमेर है। अजमेर से आपको इस तरफ ध्यान रखना है पाली, इधर ध्यान रखना है आपको जोधपुर, इधर ध्यान रखना है आपको नागौर और इसके नीचे ये भीलवाड़ा है, ठीक है। इसके आगे जयपुर के नीचे दौसा और दौसा और इस तरफ आ जाएगा आपका टोंक। तो पहला टोंक, दूसरा दौसा, तीसरा नागौर, चौथा अजमेर, पांचवा पाली, छठा जोधपुर और कोटा से ऊपर आता है आपका क्या,
बूंदी, क्या आता है बूंदी, और भीलवाड़ा के पास में उदयपुर से ऊपर आता है आपका राजसमंद। तो ये आठ जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं विद्यार्थियों, देखो पहला है पहला टोंक, दौसा, नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और बूंदी। ये आठ जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इन आठ जिलों में से एक जिला ऐसा है जो विखंडित अवस्था में है, वो कौन सा है, अजमेर। अजमेर विखंडित एरिया है और राजसमंद वाला जो इलाका है वो उसको दो भागों में अजमेर को विभाजित कर देता है। ठीक है विद्यार्थियों, और एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि पाली एक ऐसा जिला है, पाली एक ऐसा जिला है जिसे सबसे ज्यादा जिलों की सीमा छूती है। कौन सा जिला है वो, पाली, जिसको आठ जिलों की सीमा छूती है। कितने जिलों की, आठ जिलों की सीमा छूती है, वो जिला है आपका पाली। अजमेर आपके सबके मिड में आएगा, जयपुर सॉरी टोंक, दौसा, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर, ये सारे जो है ना तो अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में जो ध्यान रखने वाली बात है विद्यार्थियों वो ये है कि 4,850 जो है किलोमीटर की लंबाई है अंतर्राज्यीय सीमा, पांच राज्यों की सीमा को छूती है, एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, एमपी के साथ 10 जिलों की सीमा, हरियाणा के साथ 7 जिलों की सीमा, गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा, यूपी के साथ 2 जिलों की सीमा और पंजाब के साथ 2 जिलों की सीमा राजस्थान को छूती है। सबसे कम सीमा पंजाब बनाता है, सबसे ज्यादा सीमा एमपी बनाता है, जिलों में सबसे ज्यादा सीमा झालावाड़ बनाता है। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों से टच है, वो है आपका पाली। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य के जो सीमावर्ती जिले हैं वो 25 है, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं 23, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 4, दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, वो है आपका गंगानगर और बाड़मेर। ये दो इलाके ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अजमेर एक अंतर जो संबंधित इलाका है, ये दो भागों में विभाजित है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ भी दो विघटित अवस्था में है और दो बार जो है वो सीमा बनाता है। ये राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आगे के वीडियोस में हम राजस्थान के आकार और स्थिति के आगामी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहना है ताकि आप आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, रीट आने वाली है, पटवारी का एग्जाम होने वाला है, राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम होने वाला है, इन सब में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी के। ये टॉपिक्स मैंने अब तक आपको ये पार्ट करवा दिए हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। आगामी दिनों में आपके पास राजस्थान ज्योग्राफी के ये अपडेट्स आते रहेंगे। इसके लिए आप नवभारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहे विद्यार्थियों। धन्यवाद।